तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस क्या है कि देखिए, जब मार्केट 15,000 16,000 के आसपास निफ्टी जाती थी, तो मेरा काम क्या होता था कि मैं आपको लगातार हौसला दे सकूं कि मार्केट उछाल दिखाएगी, स्टॉक मार्केट में ये गिरावट आती रहती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुकी है, तो एक जो सेंस मैं देख रहा हूं, जो कमेंट्स लोगों के आते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड इन्वेस्टर्स होने लगे हैं, और एक जो वो फोमो वाली फीलिंग होती है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स में आने लगी है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा इन मार्केट कंडीशंस में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर मार्केट कंडीशंस में आपको क्या दो तीन चीजों का ख्याल रखना है अगर आपको अपना पैसा लूज नहीं करना है और अच्छी रिटर्न्स यहां से जनरेट करनी है इन लेवल से भी। तो देखिए दोस्तों, आप पहले तो हम बात करते हैं कि जब मार्केट नेगेटिव जाती है तो हम लोग हमेशा से पॉजिटिव चीजों की तरफ बात करते हैं कि यहां से पॉजिटिव क्या है। मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है तो एक दो नेगेटिव चीजों का भी आपको यहां पर ख्याल रखना है, जिससे जो आपकी एक्साइटमेंट है स्टॉक मार्केट को लेके वो थोड़ी सी कम हो। देखिए, स्टॉक मार्केट में आपको हर मार्केट कंडीशंस में न्यूट्रल रह के सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचकर चलना जरूरी होता है। सिर्फ मार्केट की कंडीशंस कैसी है उसके बारे में आप यहां पर सोचकर नहीं चल सकते। देखिए, अगर आप अभी भी स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, हालांकि निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुकी, लेकिन कंपनी स्पेसिफिक अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे, केमिकल सेक्टर की कंपनीज के रिजल्ट देखिए, एफएमसीजी के देखिए, फार्मा सेक्टर की कंपनीज के रिजल्ट देखिए, बहुत सारी आईटी सेक्टर की कंपनीज के रिजल्ट देखिए, तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। जो इन्फ्लेशन पे हम लोग पिछले एक साल से बात कर रहे हैं, जो लगातार हम लोग बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, उसका इंपैक्ट कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पे देखने को मिल रहा है। जो हाई डेट वाली कंपनीज हैं उनको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की कंपनी है, अलग अलग टाइप की मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर हो रही है, वहाँ पर इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। तो उस चीज़ की वजह से जो कंपनीज के रिजल्ट हैं सेकेंड क्वार्टर में, ये अच्छे नहीं आए हैं, और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वार्टर हैं उसके लिए भी कंपनीज ने बहुत ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्री नहीं दी है। अभी भी कंपनीज पॉजिटिव नहीं है कि इन्फ्लेशन कम होगा और उनके जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे। तो इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना है अगर आप स्टॉक मार्केट में इस वक्त एक्साइटेड होकर पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं। आपको स्टॉक मार्केट में देखिए पैसा लगाना है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न दे रही है, ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गई है, ये देखकर पैसा नहीं लगाना है। क्योंकि इंडिविजुअली अगर आप सेक्टर्स को देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर को एक अगर आप छोड़ दें, आईटी सेक्टर की कुछ कंपनीज को छोड़ दें, और कुछ और अलग अलग दो तीन सेक्टर्स को छोड़ दें, तो मेजर सेक्टर्स जो बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहे थे वहां पर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है प्रॉफिटेबिलिटी की अगर आप बात करते हैं। तो इस चीज का आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। दूसरा फिनोमिना जिस पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाकर आपको समझाने की कोशिश की थी कि होता क्या है, एक मार्केट में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि ये स्टॉक 50% गिरा हुआ है, 60% गिरा हुआ है, इसमें पैसा लगा दीजिए आपको अच्छी रिटर्न्स मिल जाएगी। देखिए, ये चीज है कि अगर कोई गुड क्वालिटी की कंपनीज अच्छे खासे डिस्काउंट पे है तो आप अगर उसमें पैसा लगाएंगे तो आपको अच्छी रिटर्न्स मिल सकती है। लेकिन उसके साथ साथ आपको दूसरी चीज भी ध्यान रखनी है कि ये जरूरी नहीं है कि हर कंपनी जो 50% 60% गिरी हुई है उसमें अगर आप पैसा लगा देंगे तो आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी। तो उस चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं उन्होंने अभी पेटीएम में इन्वेस्ट किया है, नाइका में इन्वेस्ट किया है, डिलीवरी में इन्वेस्ट किया है। तो देखिए, ये कंपनीज ऐसी हैं जहां पर एक जबरदस्त गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, और मैंने आपको पहले ही वॉर्न किया था कि इन कंपनीज में जबरदस्त गिरावट आ सकती है क्योंकि इनका जो लॉक इन है वो खुल रहा था। अब यहां पर ये बहुत ह्यूज लॉस मेकिंग कंपनीज है और फंडिंग पे चलने वाली कंपनीज है, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट हाइक हुए हैं जो फंडिंग है वो मोस्टली हर कंपनी की रुक गई है, और बड़ी बड़ी कंपनीज ले ऑफ्स कर रही हैं। तो उसके वजह से जो आने वाले 6 8 9 महीने हैं वो इकॉनमी के लिए टफ रह सकते हैं। इस चीज को आप रूल आउट करके स्टॉक मार्केट में इस वक्त इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उस चीज को आप ध्यान रखिए। तो अपना जो एलोकेशन है उसको राइट रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा सिर्फ इसलिए कि मार्केट में उछाल आ गया है आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करिए जहां पर जो रिजल्ट्स हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं
और उसके बाद भी उनकी जो कंपनीज के शेयर्स हैं उसमें गिरावट आई है। अब जैसे कल हमने बात की थी कुछ कंपनीज पे जहां पर उनकी स्टॉक्स तो 20-25-30% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, लेकिन उनके जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आए हैं और थर्ड क्वार्टर में भी कमेंट्री अच्छी नहीं आई है। तो ऐसी कंपनीज में आपको वेट करने की जरूरत है। हो सकता है जब नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट आए और खराब रिजल्ट आए तब ये शेयर्स आपको और अच्छे डिस्काउंट पे मिले, तो उस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है। ये दो चीजें जो हमने बात की है इनको आपको ध्यान में रखना है। और तीसरी चीज, जिस कंपनी में ऑलरेडी 1-1.5 महीने में 15-20% की रिटर्न्स आ चुकी हैं, जैसे कि हमने पहले भी, मैंने लास्ट बार भी एक बारी वीडियो में आपको बताया था, HDFC बैंक, इंफोसिस में अभी हमने रिसेंट में 1-1.5 महीने पहले ही इन्वेस्ट किया था, 15-20% की रिटर्न आ गई थी, जोमेटो में आ गई थी। तो इन कंपनीज में अब पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि KPIT टेक के बारे में काफी सारे लोग मेरे से पूछते थे। मैंने लगातार 500-550 के लेवल्स पे आपको बताया था उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। जिन लोगों ने किया उनका प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक 700 के ऊपर निकल गया। अब काफी सारे लोग पूछने लगे कि अब इन्वेस्ट कर दें, तो देखिए रिस्क रिवॉर्ड जब किसी शेयर का फेवरेबल नहीं है तो उसमें इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होता है, चाहे वो स्टॉक और 25% अच्छी रिटर्न दे दे। लेकिन आपको समझना है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारी कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल बहुत लिमिटेड है हमारे पास, तो उस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली आपको लेना है और जो स्टॉक्स ऑलरेडी रनअप दिखा चुके हैं उनमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अब ये तीन चीजें अगर आपके माइंड में आएंगी तो कौन से स्टॉक्स बच जाएंगे, वो स्टॉक्स बच जाएंगे जो गिरावट में भी हैं, जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं और वो ट्रेंड में भी है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हर बुल रन अपने साथ एक नए स्टॉक्स लेकर आती है जो अच्छा रनअप देते हैं। जैसे पिछली बुल रन में हर कोई मोनोपोली स्टॉक्स पे बात करता था, IRCTC, उसके अलावा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, CDSL, इन कंपनीज पे बात होती थी। आज इन कंपनीज में रिटर्न्स नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हो गया कि ये सारी कंपनीज प्लेटफॉर्म बिजनेस में है, तो इनके जो ग्रोथ है, चाहे ये मोनोपोली कंपनीज ही हैं, इनकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड रहने वाली है। अब इस वक्त कौन सी कंपनी चल रही है, PSU कंपनीज बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रही हैं। PSU कंपनीज में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, PSU में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो किन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उन चीजों में आपको यहां पर समझकर इन्वेस्ट करना है कि आपको वो कंपनीज चूज करनी है यहां पर भी इन मार्केट कंडीशंस में भी, जहां पर आपको अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे वो शेयर्स मिल रहे हैं जिनके रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो इन चीजों का आपको यहां पर ख्याल रखना है अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। और मैं इसीलिए ये वीडियो स्पेसिफिकली आज बना रहा हूं कि आपको इन मार्केट कंडीशंस में एक्साइटेड होके अपना कुछ भी पैसा किसी भी कंपनी में नहीं लगाना है। ये 2020-21 की मार्केट अभी भी नहीं है जहां पर आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा दें वहां पर आपको रिटर्न्स मिल जाएगी। ये मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहने वाली है जहां पर अच्छे स्टॉक्स अच्छे रिटर्न्स देंगे, लेकिन खराब स्टॉक्स में रिटर्न इस बार आपको नहीं मिलेगी। तो सावधान रहकर इन्वेस्ट करने की आपको इस मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडेक्स लेवल पे आप देखेंगे तो फ्लैट ही चल रहा है 1-1.5 साल से, कोई इंडेक्स लेवल पे रिटर्न्स नहीं है। अगर हम इंडेक्स लेवल पे चलते तो शायद रिटर्न्स ना मिलती। हम स्टॉक स्पेसिफिक चले हैं, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है जो गिरे हुए थे और वो उनके क्वार्टर्स इंप्रूव हो रहे थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स, वहां पे इन्वेस्ट करके ही रिटर्न्स आपको मिल रही है। आने वाले टाइम में भी अभी कुछ 6-8 महीने ऐसे स्टॉक्स में ही आपको रिटर्न्स मिलने वाली है, तो इन चीजों का ख्याल रखिए। हम चैनल पे रेगुलरली बात करता रहता हूं, मैं कोशिश करता हूं हर वीक एक बारी वीडियो लाने का उन स्टॉक्स के बारे में बात करने में जिनमें अच्छी रिटर्न्स मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपको इस वक्त इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोचना है म्यूचुअल फंड्स में या वैसे अगर स्टॉक्स में, तो अगर आप अभी भी देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी भी रिटर्न्स नहीं आई है। IT इंडेक्स में अच्छा 8-10% उछाल आया है, लेकिन ओवरऑल अभी भी 1-1.5 साल की अगर आप रिटर्न देखेंगे 20-20-30-30% नीचे हैं ये, अगर आप ऑल टाइम हाई से बात करेंगे। तो अपॉर्चुनिटीज वहां पर ढूंढिए जहां पर अभी भी अच्छी खासी डिस्काउंट पे चीजें मिल रही हैं, तो आपको एक अच्छी रिटर्न्स मिल पाएंगी। इन मार्केट कंडीशन में अगर आपको पैसा बनाना है तो इन चीजों का ख्याल रखिए और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करिए। सिर्फ इसलिए कि स्टॉक मार्केट में अच्छी रिटर्न्स दिख रही है, मार्केट भाग रहा है, आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। उम्मीद करता हूं मेरे को दोस्तों इस वीडियो से हेल्प मिलेगी आपको। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।